हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कुछ आखिरी मिनट्स, कुछ आखिरी पल हैं मेरे मायके में, फिर मुझे जाना है ससुराल। तो ये जो मेरे लिए मोमेंट है बहुत ज़्यादा इमोशनल है। बहुत सारी ऐसी इमोशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती अभी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। 10:30 बजे हम लोग को स्टेशन पहुँचना है, तो अभी नीचे जाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे एंड उसके बाद बस तैयारी होने ही वाली है। क्योंकि क्या है ना, स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही पहुँच जाओ ना तो वो सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। अमित शाह ने भी नहा लिया है और बच्चों को तैयार कर दिया है। श्री को मैंने रेडी करके नीचे भेज दिया है। मन्नू ने अभी नहीं नहाया है, तो बस मैं नीचे नाश्ता वगैरह करूँगी। जब तक अमित शाह जो है नाश्ता करके आएगी, मन्नू को नहला देगी, क्योंकि ये अभी उठी नहीं थी। एकदम से नहलाने से जुकाम वगैरह हो जाता है ना बच्चों को, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा मेकअप किया है। बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया, सिंपल सा मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक एंड थोड़ा सा मैंने ज़रा सा काजल लगाया है, सिंदूर लगाया है एंड दैट्स इट बिंदी। तो यहाँ पे ये मेरे साथ बातें कर रही है, इसको लग रहा है कि बस मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। तो वो बोल रही है मौसी मत जाओ मत जाओ, तो मैं इसको वही समझा रही थी, नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगी। फाइनली विदाई का टाइम है, मेरे लिए बहुत इमोशनल है, बट मैं अपने आप को बहुत रोक रही हूँ। सबके सामने स्माइल है बट दिल कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत अंदर ही अंदर रोती जा रही हूँ। तो यहाँ पे श्रेय को उसकी नानी जो है तिलक कर रही है एंड रुपए दे रही है, बट वो पैसे नहीं ले रहा है। वो बोल रहा है आपने मुझे दिए, अब मैं आपको देता हूँ, बट मुझे नहीं लेने। किसी से भी वो पैसे लेता ही नहीं है। फिर मैंने कहा तब उसने लिए। और घर से हम लोग निकल आए हैं स्टेशन के लिए। बहुत ही इमोशनल मेरे लिए मोमेंट था। जाते जाते मुझसे नहीं बना, मैं इतना रोने लगी, बहुत रोने लगी मैं। पापा बोले नहीं ऐसे सब मत करो, अच्छा नहीं लगता। फिर पापा मम्मी भी इमोशनल हो गए, वो भी रोने लगे। फिर अमीषा ने समझाया आप टेंशन नहीं लो, क्यों रो रही हो ये सारी चीज़ें। एंड यकीन मानो अभी पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो अभी भी मुझे रोना आ रहा है। मीन्स कितना इमोशनल मोमेंट होता है हमारे लिए, एक लड़की को अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जा कर के सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, और वो संभाल भी लेती है, सभी को संभाल लेती है, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है एंड फिर भी उसको सुनना पड़ता है तुम क्या करती हो घर पे, तुमने क्या किया है अभी तक मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड मेरे लिए नहीं, दुनिया की जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए ये इमोशनल मोमेंट हो जाता है। फिर मुझे अमीषा ने कहीं ना कहीं हैंडल किया, भैया भाभी सब लोग थे, तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। देन यहाँ से फिर मैंने अपना फेस दिखाया, वरना मैं इतनी रोई जा रही थी। ये पूरा जो क्लिप है अमीषा ने ही शूट किया, मैंने नहीं शूट कर पाया था। एंड श्रेय भी इमोशनल हो रहा था, बोल रहा था मम्मा आप मत रो वरना फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा। बट तो हम लोग बहुत सारे लोग साथ में जो है जा रहे थे, तो फिर धीरे धीरे फिर मेरा माइंड सेट हुआ, बट फिर भी कहीं ना कहीं इमोशनल तो हूँ ही मैं। तो बस पीछे भी 2 और गाड़ियाँ 3 आ रही थी, भैया भाभी सामान सब कुछ था। मामा देखो वो फनी वाली कौन है, देखो वो कैसा है, खोलो। रुक जाओ, जाओ अभी नहीं, अभी उतरना ही है, बस उतर ही नहीं है। कौन मामा? देखो दीवार पे भी ट्रे है, कौन से मामा है? चिंटू। मलाई हुई तोतले तोतले बोल रही है मम्मी, उठली तो उठली मम्मा। चलो अपन को
देखिए सामान हमारा बहुत सारा था, जो कुली होता है ना वो कुली भैया भी अपने गाड़ी पे जो है सामान रख के गए हैं, उसके बाद भी यहाँ भी सामान भैया लेकर जा रहे हैं एक बैग। तो देखिए यहाँ पे दोनों भाभी और आगे मैं, बच्चे, इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। एंड एक्चुअली ये स्टेशन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी गाड़ी आएगी, तो हम लोग वहीं पर अभी शिफ्ट होके आराम से बैठेंगे। ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड हालत देखिए क्या ही हो गई है, क्योंकि सबसे पहले हमारा रिजर्वेशन था स्लीपर में एंड अब रतलाम से कंफर्म हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और बच्चे सबका खाना पीना रख दे स्टैंड पे, ठंडी उतरे ऐसे स्टैंड नहीं होत नहीं होत ऐसी रख का स्टैंड नहीं का, अरे ऐसी रख चलो ठीक रख। तो अभी जब कंफर्म हुआ तब हम लोग आए हैं यहाँ पे एसी में, रतलाम से हमारा एसी में था टिकट, अभी हम लोग वेटिंग स्लीपर में बैठे हुए थे, तो अब लगी है सबको बहुत जोरों की भूख, तो सब लोग अब खाना वगैरह खाएंगे और ये देखिए एक्चुअल में क्या हुआ ना कि रतलाम तक, वडोदरा से रतलाम तक हमारा वेटिंग था, तो हम लोग स्लीपर में आए देन रतलाम से एसी में शिफ्ट हुए, क्योंकि टिकट एक भी मिल ही नहीं रहे थे, इतने सारी बुकिंग चल रही है कि बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, रतलाम से मिला तो हम लोग रतलाम से बैठे हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है तो मुझे उनकी याद आ गई, तो सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पिछली बार आई थी तो मैं उनसे मिली भी थी और आपको पता भी है, तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। और अब मैं बैठी हूँ आराम से, क्योंकि बच्चे भी अपने अपनी सीट पे चले गए हैं, श्रेय खेल रहे हैं, भैया, भाभी, अमीशा सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं फ्री नहीं बैठूंगी, जल्दी से अपना वीडियो का एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करना है, तो आज शाम तक जो है मुझे वीडियो भी पहुँचाना होता है। तो बस यहाँ पे मन्नु खेल रही है मेरे साथ, वो बोल रही है मौसी मेरे साथ खेलो बातें करो, तो बस अब मैं फ़ोन साइड पे रखूँगी और उसके साथ खेलूँगी। क्या बना रही हो? हाँ चोटी बना रही हो मेरी, कितनी चोटी, दो या एक? दो चोटी, चार चोटी, एक ही चोटी, दो मनु पांच नहीं मनु दस आओ सुनता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन स्टेशन, यहाँ पे ये देखिए, और उज्जैन में है महाकाल, तो आप सभी को हर हर महादेव, तो बस उनकी याद आई उज्जैन नगरी को देखते हुए, तो कहा चलो आपसे बात करते हैं। एंड या पूरे दिन के हम लोग थके हुए, तो बस वी वॉन्ट टू रेस्ट, अब हम लोग आराम करेंगे, क्योंकि श्रेय को नींद आ रही थी, मैंने जल्दी में ऐसे सुला दिया, बट अब हम लोग बेडशीट वगैरह लगाएंगे एंड कम्बल वगैरह लेंगे असिस्टेंट से एंड बस अब अपना सोएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, पूरा दिन हो गया है, बहुत थक चुके हैं, क्योंकि का ब्लॉग आपको इसी ब्लॉग से कंटिन्यू देखने को मिलने वाला है, सो प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में इसी जर्नी के साथ, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।